एमपीडी, हम इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। हम समझते हैं कि कुछ लोग इसे डिसोसिएट आइडेंटिटी भी कहते हैं, बट नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वी वोक अप एंड सेड आई हैव टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, दिस इज़ माई जॉब, ये मेरा हिस्सा नहीं, मैं इसका मालिक नहीं बनना चाहता, तो मैं इसे दूर ढकेल दूंगा। ना ना, दिस इज नॉट हाउ यू वर्क, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अ पार्ट ऑफ मी। मैं पैदा हुआ और फिर मुझे मेरे ही द्वारा हटा दिया गया। हमें जब मैं 12 साल का था तब मेरी माँ की डेथ हो गई और मैं हाय यकीन है कि मैं रोहित हूँ। माँ के मरने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, उसे बहुत प्यार करती थी। कुछ दिन तक सब बहुत अच्छा चला, फिर पापा को 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा और फिर उस रात माँ ने मुझे अंधेरे कमरे में बुलाया। अरे रोहित, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब उस बात को लेकर क्या तुम जिंदगी भर रोते रहोगे? अरे भूल जाओ उस वक्त को और अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करो। हाँ, भूल जाए उस वक्त को। अरे तुम्हें क्या ही पता है, तुम बाद में आए थे, जो कुछ भी हमने सहा, तुम्हें क्या ही पता है हमारा दर्द। मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, लेकिन इस गम के साथ तुम पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। अरे तुम जवान हो, नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो, अपने लिए एक जॉब ढूंढो, नया बिजनेस स्टार्ट करो। तुम्हें वो सब महसूस करने की अनुमति है जो तुम महसूस करना चाहते हो। अरे अपने लिए एक साथी ढूंढो, घर बसाओ और अपने बच्चों को वो प्यार दो जो तुम्हें नहीं मिल सका। हाँ हे भगवान, पक गया हूं मैं बकवास सुन के। अगर तुम्हारा वक्त आया है तो तुम्हें जाना ही होगा। यस, आई एम द इंचार्ज, मैं ही हूं जो रोहित को बचा सकता हूं। वो बहुत कमजोर है, उसे अंदाजा नहीं कि हम कितने ताकतवर हो सकते हैं। मैं उसे हॉस्टल में मिला था, डरा डरा सहमा हुआ अकेला सा। मेरा काम है प्रोटेक्शन, कंप्लीट प्रोटेक्शन उन सभी लोगों से जो रोहित को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। हॉस्टल के लड़के, वो साला वॉचमैन और खास करके उसकी माँ जो उसे अब्यूज करती थी, उसे बेसमेंट में बंद रखती थी बिना किसी गलती के, और उसकी बात ना मानने पर पापा से कहके उसे 2 साल हॉस्टल में भेज दिया। अब हम ताकतवर हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हॉस्टल से आने के बाद सब ठीक हो गया था, लेकिन फिर से वही अब्यूज। इसलिए एक दिन मौका पाके मैंने रोहित की मां को मार दिया। मारना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था, और उसके दोस्त को भी जो मौके पे हाजिर था, क्योंकि मेरा काम है प्रोटेक्शन, कंप्लीट प्रोटेक्शन। मैं रोहित को तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन तुमने जो किया वो गलत किया, उसे मारना नहीं चाहिए था। अभी तुम्हारे ही कारण रोहित इस मुसीबत में फंसा है। हाँ, तो मैं ही निकालूंगा उसे यहां से, मैंने मारा है और मैं ही निकालूंगा उसे यहां से।
देख देख, इसने मारा है उसे। मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर, मुझे मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। नहीं, हमें हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम ठीक है। नहीं, हाँ ठीक है, हम ठीक है, हमें किसी की जरूरत नहीं। रोहित को इन सब की जरूरत है, तुम्हारे रह के तुम्हारे साथ रह के वो नहीं रह सकता। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज, मुझे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं ठीक हूँ, मुझे मुझे कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर।